हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि समिता जो है वो श्रुति से सब कुछ जानने की कोशिश करती हैं, वो सवाल करती हैं और श्रुति चुप हो जाती है। उसके चुप होने से समिता एक बार फिर से उसे कहते हैं कि देखो, चुप हो के कुछ नहीं मिलेगा, अगर कुछ बताओगी तो ही कुछ हेल्प कर पाऊँगी, ये तुम्हें भी पता है, तो बोलो कुछ, क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो, क्यों उसे अपने पास नहीं आने देते, ऐसी क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है जो तुम दोनों को इतना दूर कर रही है। तो श्रुति को सोचने लगती है कि क्या जवाब दे, कैसे इस बात को टाले, ख़त्म करे। तो उसके बार बार कहने के बाद वो कहती है कि एक्चुअली ज़्यादा कोई ख़ास बात नहीं है, बस बात यह है कि वो मेरे साथ कभी बैठते नहीं हैं, बात नहीं करते, जब देखो उन्हें सिर्फ मेरे करीब ही आना होता है, हर वक्त यही सब चाहिए होता है। तो समिता काफ़ी देर तक बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनती रहती हैं और उसके बाद कहती हैं कि आर यू श्योर यही बात है? हाँ यही बात है, पक्का ना? आपको पता है मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि अक्ष को आपसे बस इतना ही मतलब है। तो जब आपका दिल मानने को तैयार नहीं है तो फिर आपको मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए था ना, जो है मैंने बता दिया। सच में जो था वो तुमने बता दिया, जो भी था मैंने सब बता दिया। अच्छा, तो यही प्रॉब्लम है? हाँ यही प्रॉब्लम है, वो जब आते हैं कभी घंटों बैठ के मेरे साथ बातें नहीं करते, मेरा हाथ अपने हाथ में नहीं पकड़ते, कभी कहीं घुमाने नहीं लेके जाना, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद इसका ख्याल नहीं रखना, ऑफिस से आके कभी मेरे साथ कोई मूवी नहीं देखना। ऐसे भी तो वक्त बिताया जा सकता है ना, ज़रूरी है फिजिकली इन्वॉल्व हो तभी वक्त कटेगा, तभी एहसास होगा कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, नहीं तो सब बेकार है। तो समिता ध्यान से उसकी बातें सुनते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है अब आपने बताया है तो मैं अक्षय बात करूँगी इस बारे में, नहीं आप उनसे कुछ मत कहिएगा। क्यों, कोई ख़ास रीज़न? नहीं ऐसा कोई रीज़न नहीं है। तो फिर अगर आप उनसे इतना परेशान हैं तो बात करने दीजिए ना, उसको तो जो परेशानी थी उसने आके मेरे सामने कह दी, अब आपको जो परेशानी उनसे है वो मैं कह देती हूँ। और ये बात अगर है तो ये बात आप अक्ष क्यों नहीं कह रही हैं? आप उसको बताइए, उसकी आदत में सुधार कीजिए, और बात आपकी सही है, ये कोई तरीका नहीं होता है, थोड़ा उसके साथ बैठना, उसके साथ वक्त बिताना ये भी ज़रूरी है। हाँ तो यही तो बात है ना, ठीक है मैं अक्ष से बात करती हूँ। वो
ध्यान देगी इस चीज़ पे। ठीक है, थैंक यू। बट पता नहीं क्यों श्रुति, मेरा दिल इस बात के लिए मान नहीं रहा कि यही बात है। अब देखिए, बात तो यही है, मैंने आपको बता दिया। तो सविता कहती है कि अच्छा उनकी कसम खा के बताओ कि यही बात है। समिता ने बहुत अच्छा जाल बिछा दिया होता अक्ष के श्रुति के सामने। अब समिता उसमें फंस चुकी थी, श्रुति उसमें फंस चुकी थी। तो श्रुति कहती है कि समिता ये कोई बात नहीं होती, उनकी कसम देने की क्या ज़रूरत थी यार, तो आप ऐसे बात ही नहीं बता रही थी, क्या करती फिर मैं, बोलो मुझे बात जाननी है, बात बताओ। अब बात मुझे एक दो दिन का टाइम दे दो, मैं इस बारे में खुद ही अक्स से बात कर लूँगी, बाकी ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, कर लूँगी ना बात, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि मैं आप दोनों के इस मैटर में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ या ज़्यादा कुछ कहूँ। तो पक्का ना कर लूँगी अपने आप बात, हाँ कर लूँगी। ठीक है फिर कर लेना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अगर तुम अपने आप उससे बातें क्लियर कर लोगी तो। ठीक है फिर, मैं काम है, सोना भी है, तो मैं जाती हूँ। ये कह के समिता जो है अक्ष को फिर मैसेज करती हैं कि मैंने बात की है, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, और तुम उसको वक्त क्यों नहीं देते हो 24 आवर्स। जब भी तुम ऑफिस से आते हो या ऑफिस जाते हो तो उसके साथ खाली इंटीमेसी का ही क्यों सोचते हो, बैठ के बातें करो, कुछ वक्त बिताओ, हर लड़की को इस चीज़ की ज़रूरत होती है। और तुम इस तरह से बिहेव क्यों करने लगे हो। तो अक्षय मैसेज पढ़ते हैं और कहते हैं रियली तुम्हें भी यही लगता है, और ये श्रुति ने कहा है कि हाँ श्रुति ने ही कहा है, तभी तो मैं बता रही हूँ। श्रुति मैं अभी कल ही उसे घुमाने ले गई थी, और इतने टाइम से हम दोनों साथ हैं, मैं उसके साथ वक्त ही तो गुजार रही थी, और क्या कर रही थी। अक्ष उस समय उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे कैसे पता होगा। अरे तो हम उसके घर में थे तब भी तो हमने इतना सारा टाइम एक साथ गुजारा है, और मुझे समझ नहीं आता, अगर कोई इंसान किसी के साथ फिजिकली अट्रैक्टेड है और वो मेरी बीवी है, मैं उससे प्यार करती हूँ, अगर मैं उसके साथ इन्वॉल्व होने का सोच रही हूँ, इट मीन्स कि मुझे सिर्फ उसकी बॉडी में इंटरेस्ट है, उसमें नहीं है। ये कौन सा लॉजिक है, मुझे ये बात समझ नहीं आई अभी तक, कौन से लॉजिक से ये बात की जा रही है। लक्ष्य देखो, नहीं मैं क्या देखूँ, तुम भी मुझे समझाओ ना, तुमने भी आके इतनी आसानी से कह दिया है तो तुम भी समझा दो जो भी कहा है। अक्ष मैं अभी मैसेज में आपको ये बातें नहीं समझा सकती, बस इतना जान लो कि हर लड़की कुछ क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करना चाहती है, एंड इट्स योर ड्यूटी कि तुम उसको ये प्रोवाइड करो।
हाँ आई नो, इट्स माई ड्यूटी, सब कुछ ड्यूटी मेरी ही तो है, ऑब्वियसली आप ही की है, और किसकी होनी चाहिए, और किसी की ड्यूटी होनी चाहिए? मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर ठीक है समिता, मैं बाद में बात करती हूँ। अक्ष, श्रुति से कुछ मत कहना, डोंट वरी, मैं श्रुति से कुछ नहीं कहूँगी। और अगर उसके दिल दिमाग में यही सब कुछ चल रहा है तो कोशिश करूँगी कि ये प्रॉब्लम हम दोनों सॉर्ट आउट कर सकें। मुझे यही उम्मीद थी कि आप इस चीज़ को इस तरीके से डील करेंगे। थैंक्स, अब और आपको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं, आप ऑलरेडी बहुत समझदार हैं। ये समझदारी तो डुबा रही है मुझे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो कैसे सोचो, तुम ही बता दो। अपनी बीवी को छूने का, उसके पास जाने का मतलब मैं उससे प्यार नहीं करते, ठीक है? अच्छा है। और इस सिचुएशन में मुझे और क्या समझना चाहिए, ये आप मुझे समझा दो। खैर, बेवजह इन बातों में कहाँ पड़ रहे हैं, आप भी आराम करो। आपने भी आज पूरे दिन बहुत काम किया, थक गई होंगी। अक्ष, संभालो खुद को। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो पता चल रहा है मुझे कि आपको कुछ नहीं हुआ है। फिर भी संभालिए खुद को जी। ये कह के अक्ष भी अपना फ़ोन साइड में रख देते हैं और श्रुति अक्ष का वेट कर रही होती है। अक्ष थोड़ा अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और थोड़ी देर बाद वो रूम में आते हैं। देखते हैं कि श्रुति लेटी हुई होती है। वो अक्ष को देखती है और अक्ष से कहती है कि आपको ये सारी बातें समिता को बताने की क्या ज़रूरत थी, हमारी बीच की बातें हमारे तक नहीं रह सकती, कोई प्रॉब्लम है? तो अक्ष को गुस्सा तो आता है बट वो खुद को काम करते हैं और कहते हैं कि सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। अच्छा, फिर चुप हो जाते हैं तो श्रुति उनकी तरफ देखते और कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, सोते हैं, गुड नाइट। तो ये बोल के श्रुति दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाती है। अक्ष आके बेड पे बैठते हैं और श्रुति से कहते हैं कि सुनो। हाँ, कहिए। लूडो खेले अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो? लूडो इस टाइम? क्यों, कोई दिक्कत है इस टाइम खेलने में? बहुत टाइम हो गया ना, हम दोनों ने लूडो नहीं खेला। तो श्रुति अक्ष की तरफ देखती है, कहती है पक्का लूडो खेलना है कि? हाँ, क्यों, लूडो खेलने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, आप खेलते नहीं हो इसलिए। तो आज खेल लेते हैं, अब तक नहीं खेला तो क्या हुआ? ये कह के अक्ष जाते हैं अपने अलमीरा में, लूडो ढूंढते हैं और लूडो लेके आते हैं। तो श्रुति कहती है तो फ़ोन में ही खेल लेते ना। नहीं यार, फ़ोन में मज़ा नहीं आता, ऐसे खेलते हैं ठीक है।
तो दोनों लूडो खेलने बैठते हैं, तो देखते हैं आगे क्या होगा। ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो स्टोरी शॉर्ट ही आएगी, कल देखते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।